सीखेंगे साइड पॉकेट। नाउ वी विल लर्न अबाउट साइड पॉकेट। सीट लेंथ का नॉच ये सब हमने नहीं लगाया था, तो नॉच लगा लेते हैं पहले। वी हैव टू मार्क द सीट लेंथ नॉच। यहाँ पे हमने सीट लेंथ की मार्किंग की थी ना, वहां में नॉच लगाना बहुत जरूरी है। सीट लेंथ नॉच एंड वेस्ट लेंथ नॉच। अभी हमें जो ये साइड पार्ट है वहां पे ये जो साइड कट चाहिए हमें, साइड कट से 1 इंच ऊपर आपको एक कट लगाना है। वी हैव टू मेक कट फ्रॉम साइड कट लेंथ 1 इंच अप साइड एंड देन 6 इंचेस फॉर हैंड। 6 इंचेस हमें हाथ के लिए अंदर जाने के लिए रखना है। यहां से यहां तक हमारा पॉकेट लगेगा। और पॉकेट जब आपको एक साइड पॉकेट लगाना हो तो किस तरफ लगाओगे? फ्रंट साइड, राइट साइड, और राइट साइड कुर्ते के राइट तरफ हमारा अभी राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड से हाथ डालने में आसानी होगी, तो राइट साइड हमें एक पॉकेट लगाना होता है। व्हेन वी आर अटैचिंग वन पॉकेट वी हैव टू अटैच ऑन राइट साइड। वी कैन अटैच ऑन बोथ साइड ऑल्सो, दोनों तरफ भी हम अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ एक ही साइड अटैच करना बताऊंगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉकेट का ओपनिंग पार्ट है। ये वाला हमारा ओपनिंग पार्ट है जहाँ हमारा पॉकेट खुलेगा। क्लियर? 1 इंच अप साइड फ्रॉम कट लेंथ देन 6 इंचेस। 6 to 7 यू कैन टेक, 6 to 7। अभी स्लीव्स के आगे का मैं मोड़ दूंगी पहले। ठीक फिर राइट साइड कुर्ते पे हमें 1/4 इंच पे स्टिच करना है। वी हैव टू मेक स्टिच ऑन राइट साइड कुर्ता ऑन 1/4 इंच फॉर मेकिंग फ्रेंच सीम। कवर सिलाई करनी करनी है इसके लिए हमें, इस तरह करना है ताकि कहीं पे भी इंटरलॉकिंग की नीड ही ना हो। यहां तक लगाई, सिर्फ हमें ये पार्ट ओपन रखना है। दिस पार्ट वी हैव टू डू ओपन एंड फिर वापस इस तरह कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हमारा ओपन रह गया है पॉकेट के लिए। अब उल्टे तरफ जाएंगे और पहले ये कट कर लेते हैं धागे एक्स्ट्रा।
फिर हमें 0.75 इंचेस से स्टिच कर लेना है. वी हैव टू मेक स्टिच ऑन अ 0.75. आर्म होल प्रॉपर मैच करना है फ्रंट एंड बैक. ये सिलाई मारने से पहले आपको पॉकेट पे फिनिशिंग करनी है. बिफोर दिस स्टिच यू हैव टू डू फिनिश योर पॉकेट. ये वाला पार्ट इस तरह से फिनिशिंग कर देंगे, दोनों तरफ से उल्टे साइड पे मोड़ देंगे इस तरह. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉकेट का मुंह छोटा ना हो जाए. जितना पतला हो सके उतनी पतली सिलाई करनी है. दूसरी तरफ कंटिन्यू कर लूंगी. इस तरह से दोनों साइड का फिनिश्ड कर दिया. फिर यहां से स्मूथ शेप में इस तरह स्टिच करनी है. अभी ये जो लेवल है वो सेम दिखना चाहिए. ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से मार रहे हो और ऐसे अचानक से ऐसे चलेगा. स्मूथ शेप में स्टिच करनी है. यू हैव टू मेक स्टिच ऑन अ स्मूथ शेप, नॉट लाइक दिस. अभी नीचे भी हमें करना बाकी है. तो नीचे हम कैसे स्टिच करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करनी है एंड जहां तक हमें साइड कट चाहिए वहां तक ऐसे एंड कर देंगे. मेंस में साइड कट थोड़ा नीचे से होता है, ज्यादा नीचे से. क्यों? क्योंकि जो पॉकेट है वो बहुत ऊपर चली जाती है. फिर इधर आओ. तो 1 मिनट, इसके अंदर हाथ जा रहा है क्या आपको? चल ठीक है, ओके. तो देखो इस तरह से हमने फिनिश कर दिया. दो सिलाई भी आप मार सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अंदर एक स्टिच कर दी है. तो अभी हमें पॉकेट लगानी है. पॉकेट का साइज कट कर लेना है. यहाँ मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रखी है. पॉकेट का साइज मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगी. पॉकेट साइज आई विल मेंशन इन नोट्स आल्सो. यहां से यहां तक आपको रखना है 15 इंचेस. फिर यहां से यहां तक की लेंथ होनी चाहिए आपका. ये जो साइज है पॉकेट का उतनी होनी चाहिए, मीन्स 7 इंचेस. फ्रॉम दिस टू दिस 7 इंच. और विड्थ है यहाँ पे 9 इंचेस. विड्थ इज 9 इंच. सो आपको इस तरह डबल रख के काटना है. यू हैव टू कट डबल.
टोटल लेंथ 22, फ्रॉम 15 इंचेस कर्व शेप। अब ज्यादा कॉर्नर नहीं निकालना, यू डोंट हैव टू पुट मोर कॉर्नर शेप। तो 22 हो गई और ये 4.5 इस तरह। क्लियर पॉकेट साइज। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 7 इंच का हमने सोचा है, यहाँ तक स्ट्रेट पार्ट तक, 7 इंच वाले पार्ट को छोड़ के स्ट्रेट, हाँ क्रॉस में 7 नहीं, स्ट्रेट। तो ये 7 इंच वाले पार्ट को छोड़ के इस तरह लगानी है स्टिच। हाफ इंचेस छोड़ देना है गैप, हाफ इंचेस लीव द फैब्रिक। सेम इस तरफ भी कर लेंगे। इसको खोल देंगे, रिवर्स कर देंगे। पॉकेट लगाना अभी आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसको रेडी किया, अभी हमें क्या करना है, ये जो कुर्ते वाला पार्ट है उसको हमें लेना है इस तरह खोल के, और ये वाला जो पॉकेट का पार्ट है वो, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने उल्टा रखा पॉकेट को, और ये जो पोर्शन है वो हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। वी हैव टू स्टिच हेयर दिस पोर्शन, और उसके बाद यहाँ पे सिलाई करनी है। दो स्टिच में हमारा पॉकेट कंप्लीट, इन टू स्टिचेस आवर पॉकेट विल बी कंप्लीट। सो फर्स्ट हेयर वी हैव टू स्टिच। तो पहले इस पे सेंटर पॉइंट बना लेंगे। फर्स्ट लेट्स मेक सेंटर पॉइंट ऑन दिस पार्ट। उसके बाद यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है, स्केल दो ना मेरे को, इस तरह हम एकदम सीधा रखना है, और ये लाइन के सीध में ऐसे ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे नीचे नहीं जानी चाहिए क्रॉस में। तो इसको इस तरह रखेंगे ऐसे। अभी ये जो सेंटर पॉइंट है इसको इस तरह रखेंगे, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको सेंटर में मिलाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। नीचे वाला पार्ट हटा देना है, सेंटर पॉइंट को यहाँ मैच करना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिन लगाएंगे,
पिन लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से मोड़ के आयरन करने की जरूरत है। आयरन चालू कर दो। इस तरह मोड़ के हम आयरन कर देंगे रफ, फिर सिर्फ यहाँ पे सिलाई करनी है और पॉकेट लग जाएगा। यहाँ पे आलपिन इस तरह लगानी है ओवरलैप करके। हेलो, आवाज आ रही है? कैसा लगा पॉकेट लगाने का तरीका? फोल्ड करके मैं ही करूंगी आयरन। हाँ आ जाओ ले आओ। आयरन कर दी है। यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। रिकॉर्डिंग चालू करो ना इसमें। इसमें रिकॉर्डिंग अभी हमने जहां पे स्टिच एंड की है वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक और स्टिच लगाने की जरूरत तो नहीं है। अब मैं राइट साइड से दिखा देती हूँ पॉकेट। ये आलपिन हमें निकाल लेनी है। कैसा लगा पॉकेट लगाने का तरीका? हाउ इज द फिनिशिंग? अभी हम वापस एक बार आयरन कर लेंगे तो जो गलत आयरन हो गई है वो मिट जाएगी। उल्टे तरफ से ऐसा दिख रहा है। इजी और टफ? इजी लगा या टफ लगा? जैसा ऐसा लगता है कि बहुत टफ होगा वैसा लग रहा है या फिर इजी लगा आपको? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ओके, सिर्फ दो ही स्टिच में हमने कवर किया पूरा पॉकेट लगाने का। इधर हम इंटरलॉक भी करवा सकते हैं। एक स्टिच मार लेती हूँ मैं। ये कैसा लगा? नाउ साइड स्टिचिंग ऑन अदर साइड। देखो अभी कहीं पे भी इंटरलॉक की जरूरत